गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यह देखेंगे 5 मई 2020 का करंट अफेयर्स, और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 3 मई को। कब? 3 मई को। कौन सा दिवस? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस बार का थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। और ये मनाना स्टार्ट कब से हुआ? 1993 में। 1993 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया? तो हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग किसने जारी किया? ये क्या है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने एक सॉन्ग जारी किया, उसका नाम क्या है? हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। और इस सॉन्ग का लिरिक्स लिखा है प्रसून जोशी ने। किसने? प्रसून जोशी ने। और इसमें म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। और जितनी बार इस गाने को सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, उतनी ही बार बैंक PM CARES फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। और यहाँ आपका आया HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अभी MD कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो किस देश का क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे है। और इसमें भारत कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। और T20 में भी पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और भारत तीसरे स्थान पे है। और वनडे में पहले स्थान पे इंग्लैंड है और दूसरे स्थान पे है इंडिया। तो टेस्ट रैंकिंग और T20 रैंकिंग में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पे इंडिया है। और वनडे में पहले स्थान पे इंग्लैंड है और दूसरे स्थान पे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने अपने पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा है? तो नासा ने अपने मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा? ये रखा है इंजेन्यूटी। क्या नाम है रखा है? इंजेन्यूटी। और ये नाम दिया किसने है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये नाम दिया है वनीजा रूपानी ने। वनीजा रूपानी भारतीय मूल की 17 वर्ष की लड़की हैं और इन्होंने अभी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी। और यहाँ आया आपका नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका स्थापना हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है Washington DC USA। और इसके अभी प्रशासक हैं ब्रिडेन स्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यानी कि YASH प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? ये क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। क्या नाम है प्रोग्राम का? ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। और अभी राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कौन है? तो वो है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य की 100% आबादी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा? तो ये किया है घोषणा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र ने घोषणा किया है कि राज्य की 100% आबादी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। और यहाँ है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NTPC का निर्देशक किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रमेश बाबू वी को NTPC का निर्देशक नियुक्त किया गया है। और यहाँ ऑप्शन में डाला है मैंने दिलीप कुमार पटेल। तो दिलीप कुमार पटेल को NTPC का HR निर्देशक नियुक्त किया गया था। और ये TS मूर्ति कौन है? तो TS मूर्ति को संयुक्त राष्ट्र ने भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व यानी कि राजदूत नियुक्त किया गया है। और जे अरुण कुमार इनको USA क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और यहाँ आया आपका NTPC। तो NTPC का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। कब? 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अब इसके अध्यक्ष और MD हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय बन गई? तो फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? ये है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और ये फेड कप हार्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की एक पहल है
जिसे फेड कप खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए 2009 में स्थापित किया गया था, और इसमें नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? ये लगाया गया है 4 साल का। तो अभी एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण के निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा कौन सा देश? ये करेगा रूस। तो अभी रूस अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा किस चीज़ के लिए? तो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण का निगरानी के लिए। और यहाँ आया आपका रूस, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ का करेंसी है रूबल। और यहाँ के संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किस मंत्रालय के तहत लाया है? तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? ये लाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। तो केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2018 में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया था। और पहले ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, और अब इसको जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के बीच में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो बॉल पर साइन लाने के लिए लार और पसीने का इस्तेमाल पर रोक लगा दिया किस देश ने? ये लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने। तभी ऑस्ट्रेलिया ने गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। और यहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनवरा। करेंसी है डॉलर। और यहाँ के संसद का नाम पार्लियामेंट है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर एडवन ने संन्यास लेने का ऐलान किया, वो किस खेल से संबंधित हैं? ये स्नूकर है। विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एडवन ने अभी संन्यास लेने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य किसे चुना गया है? तो रॉयल सोसाइटी का सदस्य किसको चुना गया है? ये चुना गया है राल्फ स्पीड को। राल्फ स्पीड को यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया, वह क्या थे? तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ ये एक लेखक थे, और अभी इनका निधन हो गया है। ओके गाइस, तो आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है पद्म भूषण। कौन सा है? पद्म भूषण। तो मैंने आपको बताया था कि पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च सम्मान है जो उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और इसका शुरुआत कब से हुआ? 1954 से। कब से? 1954 से। नेक्स्ट है, किस भोपाल गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट को मरणोपरांत पद्मश्री 2020 दिया गया? तो भोपाल गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट को पद्मश्री दिया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार भोपाल गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट थे, और उनको मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया। और ये भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुआ था? 1984 में। कब? 1984 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार 2020 किनको नहीं दिया गया है? ये दिया गया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण या पद्म विभूषण? पद्म भूषण। मैंने बताया था आपको पद्म भूषण दिया गया है पीवी सिंधु को, और पद्मश्री कंगना रनौत, एकता कपूर, करण जौहर को। और टोटल कितने लोगों को दिया गया है पद्मश्री? 118 लोगों को। नेक्स्ट है, वेणु श्रीनिवासन को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वेणु श्रीनिवासन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये उद्योगपति हैं। तो वेणु श्रीनिवासन उद्योगपति हैं। ये कौन है? टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं। टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं वेणु श्रीनिवासन। और इनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? तो पद्म भूषण पुरस्कार 2020 किनको नहीं दिया गया है? ये है मैरी कॉम।
मैरी कॉम को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनको पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म भूषण किनको किनको दिया गया? मनोहर पारिकर, पीवी सिंधु और एस जी जमीर को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।